गाइस हम लोग डी मार्ट से आ चुके और ये बेसिक सामान जो थे मतलब घर पे जो जो बच्चों के टिफिन वगैरह के ये वहाँ से लिए हम लोग ने प्लेट का सेट, इसमें 3 बाउल्स। सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू एंड एक्साइटिंग ब्लॉग। सो आपको शायद ज़्यादा उजाला दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे मैंने न्यू ट्यूबलाइट लगा दी हूँ ताकि लाइट वगैरह अच्छी आए। वैसे तो यहाँ पे ये खोले तो आती है लाइट, पर इतना वो नहीं आती है अभी फिलहाल ना, कपड़े सूख रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट शॉपिंग के लिए, तो फटाफट सारा काम करते हैं और निकलते हैं डी मार्ट के लिए। ए मेरे मुंह पे बारिश का बूंद आया मायो, हे मायरा बताओगी। ऑलमोस्ट सब बंद है, कितना बज रहा है, 11 बज रहे फिर भी सब बंद है यार। संडे है, सारी ट्रॉली बिजी है। ट्रॉली लेकर आओ तुम, बास्केट लेना बाहर, इधर ही मिलेगी ट्रॉली। बाहर बास्केट ले जाते, इधर से बास्केट लो। यस मम्मा उतार दो ऐसे नीचे से। छह साल के ऊपर की बच्चा है क्या? ये वहाँ से लिए हम लोग ने प्लेट का सेट, इसमें 3 बाउल्स 129 रुपीस की है, 3 बाउल्स एंड 3 प्लेट्स। हमारे 150 दिया है, बहुत अच्छी सेट है ना दीदा, अच्छा है ना, अच्छा है। क्या कर रहे हो तुम, ये लेके खोलना है? गाइस हम लोग डी मार्ट से आ चुके और ये बेसिक सामान जो थे मतलब घर पे जो जो बच्चों के टिफ़िन वगैरह के लिए ख़त्म हो गए थे, सिर्फ वही लेकर आई हूँ मैं, बाकी राशन वगैरह तो भरा हुआ था। सो चलो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ये मैंने कोकोनट की बॉटल ली हूँ, ये कोकोनट नरिश की बॉटल है, ये भी 1 get 1 free है, बहुत अच्छा डिस्काउंट है गाइस डी मार्ट पे, आप जाके वहाँ से ले सकते हो। ये 120 की है, मुझे 1 get 1 free मिली ये वाली बॉटल एक। एंड सेकेंड है ये वाला जैम, एक जैम ली हूँ मैं, और यहाँ पे मिल्क मिक्स ली हूँ। और किका ही है ये, दोनों बच्चे लोग ने लिए अपने अपने लिए। ये योगर्ट है, ग्रीक का, ग्रीक योगर्ट बोलते ना जिसको, वो है ये मिल्क मिस्ट का। सो ये 2 फ्लेवर ली हूँ, और 2 जैगरी है। ये ना अभी मैं ना शुगर जो है ना हम लोग पूरा क्विट कर रहे हैं, और चाय वगैरह में स्वीट्स वगैरह में ना हम लोग
शुगर के बदले ये अभी जैगरीज जो है ये मैं डालूंगी, ये जैगरी के क्यूब्स लिए हमने। देन है ये किसान का हेज़लनट कोको पीनट स्प्रेड, ये भी एक ले ली हूँ बच्चे लोग के लिए टिफ़िन में या शाम में ब्रेकफास्ट में खाने के लिए। देन जो सेकंड है वो एक टमाटो केचप ले ली हूँ एक, खाओ रिदान गंदे चाले नहीं करो मम्मा। देन एक है मेयोनीज, फन फूड का मेयोनीज भी एक किलो का सॉस, और ये रिदान के लिए ली हूँ बिस्किट्स एंड निबल्स। देन ये केक वगैरह है, सब केक्स ले ली हूँ मैं, ये बच्चे लोग ही खाएगा, ये चिक्की वगैरह मैंने मेरे लिए ली हूँ, और ये बादाम मिल्क पाउडर है ये भी ली हूँ। देन ये मैदा वगैरह ली हूँ मैं, केक का सामान गाइस ली हूँ मैं आपको बताती हूँ, ये कॉर्नफ्लावर एक है, सॉरी ये तो केक में नहीं जाएगा, फिर भी कॉर्नफ्लावर है ब्लू बर्ड का, ये ड्राई ईस्ट है, ये सब केक के लिए ली हूँ मैं। और ये है मैदा, और मेरे हाथ से गलती से जो एसेंस वगैरह ली थी ना मैं, वो वहीं पे गिर गया है, मेरे इसमें बिल वगैरह में भी लिखा हुआ है, उसका पेमेंट भी मैंने कर दी हूँ लेकिन वहीं पे गिर गया। मैंने उनको कॉल करी, उन लोग बोले आप आके ले सकते हो, हमारे पास आपका सामान है। सो फिर है ये टर्मरिक है जो चटनी, सॉरी ये इमली का पल्प है आई थिंक, सो ये एक ली हूँ, और ये ग्राउंडनट की चटनी ली हूँ मैंने खाने के लिए, दाल चावल के साथ ना गाइस बहुत अच्छा लगता है। ये अमचूर पाउडर मेरे पास ख़त्म हो गया था, ये ली हूँ, और यहाँ पे आई थिंक ये रवा है, थोड़ा ही ली हूँ, ऑलरेडी घर पे बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, रवा है, बेसन है, सब थोड़ा थोड़ा ली हूँ ऑलरेडी घर पे। और ये गरम मसाले का भी उन लोग ने कुछ मिक्स गरम मसाले का पैकेट ऐसा लाए है, ये मुझे 100 रुपये में मिला है कुछ। और एक कांदा मसाला, कांदा लहसुन मसाला, चिली फ्लेक्स, ये देखो ये रिदान की गड़बड़ अपनी से, चिली फ्लेक्स ली हूँ, ऑरिगेनो है, देन है मैदा, और लास्ट रिदान अपना ही जमा कर दे रहा है, तुम्हारा है क्या करेगा बेटा मैदे का। और यहाँ पे शेंग दाना, और ये लास्ट है राजगिरी के लड्डू, लड्डू खाएंगे ना, अरे 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 सब तुम्हारे। और गाइस दो सामान थे, मैंने 4 दही के पैकेट ली थी स्टॉक में, मैं दही के पैकेट्स लेके रख देती हूँ, काम आते हैं वो घर पे, और 2 छास के पैकेट भी मैंने ऑलरेडी। सो गाइस मैंने 4 दही के पैकेट भी ली थी, और दूध का पैकेट ली हूँ 1 लीटर, और श्रीखंड ली हूँ, और छास के 2 पैकेट ली हूँ। कल ना मुझे ये बनाना, क्या बोलते अपना, कढ़ी सोच रही हूँ बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने लेके रखी हूँ। और दही तो मेरे को लगते ही रहता है या डेली खाने के लिए, या तो फिर हम लोग उसका कुछ भी दही वड़ा वगैरह बनाते, तो मैं लेके स्टॉक में रख देती हूँ 10 दिन का। और ये एक ना क्यूट सा वहाँ पे मुझे बाउल दिखा है, ये बाउल नहीं सॉरी बर्नी जो कांच की है, ये भी एक ले ली हूँ। सो गाइस बस इतना ही, हाँ ये 2 बच्चों के नैपकिन ये बता रही है मायरा, सॉफ्ट सॉफ्ट से एक मायरा ने लिए एक रिदान ने लिया है। सो बस इतना ही गाइस, सो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में बताना, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय।